नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा नायक है और आज मैं आप सभी को एक महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा अर सहित बताऊंगी। परंतु उससे पहले मैं आप सभी को इनकी राम भक्ति से परिचित कराना चाहूंगी। कहा जाता है कि जन्म के समय इनके 32 तात थे और इन्होंने जन्म लेते ही राम शब्द कहा था, जिसके कारण इनका नाम राम बोला पड़ गया। आगे चलकर इन्होंने प्रभु श्री राम के दर्शन किए, श्री रामचरितमानस, हनुमान चालीसा की रचना की और कई अनेक अन्य दोहे और पद भी लिखे। आइए इनका एक दोहा अर्थ सहित समझते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लौ घट में प्राण। अर्थात कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि दया धर्म का आधार है और पाप अभिमान का। जब तक मनुष्य के शरीर में प्राण है, उसे दया का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्थात हृदय में दया ही मनुष्य को धार्मिक बनाती है और इंसान को दयालु बनकर शरीर का कर्तव्य निभाना चाहिए। आशा है आप सभी समझ गए होंगे कि तुलसीदास जी अपने दोहे और पदों के माध्यम से लोगों को राम भक्ति करना, मीठे वचन बोलना, दयापूर्ण व्यवहार करने का परामर्श दिया है। धन्यवाद।